वाराणसी के सभी थानों को तनाव मुक्त कर एक सकारात्मक व खुशनुमा माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिक्षा दीक्षा फाउंडेशन ने चोलापुर थाने में फूलों के पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया। इस क्रम में फाउंडेशन शहर के अन्य थानों में भी फूलों का पौधारोपण करेगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कहा कि पर्यावरण के अवसर पर विभिन्न संस्थाएं तालाबों कुंडों और पार्कों में पौधारोपण करती है, लेकिन जनता की सेवा में लगे हुए और कानून व्यवस्था को संचालित करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए शिक्षा दीक्षा फाउंडेशन की यह पहल सराहनीय है। क्षेत्राधिकारी चोलापुर अभिनव यादव ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि सभी थाने देखने में अच्छे व सुंदर लगेंगे, जिससे यहाँ का माहौल बेहतर रहेगा। शिक्षा दीक्षा फाउंडेशन के सचिव सुमित कुमार पांडे ने कहा कि इस कार्यक्रम से न केवल थानों का माहौल अच्छा होगा, बल्कि थानों में लगे फूलों के पौधों से वहाँ के रहने वालों पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। शिक्षा दीक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष अमित झा ने इस कार्यक्रम के बाबत बताया कि पुलिस स्टेशन में रोजाना कई ऐसे मामले आते हैं जो बहुत ही पेचीदा होते हैं, और वहां पर काम की अधिकता के चलते पूरा माहौल ही तनावपूर्ण हो जाता है, जिसका असर वहां पर काम करने वाले व रहने वाले पुलिस कर्मियों व फरियादियों पर भी पड़ता है। पुलिस कर्मी देश की जनता की रक्षा व सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं, इसलिए उन्हें खुशनुमा माहौल उपलब्ध कराना जरूरी हो जाता है। आज 5 जून है, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस पर ज़्यादातर होता है कि जो पेड़ हमारे लगे हुए हैं उनको हम बचाए रखें, नए जो पेड़ लगे हुए हैं उनको कटने से बचाएं, एवं हमने नए पेड़ लगाए ताकि हमारा पर्यावरण ज़्यादा साफ सुथरा हो, हरा भरा हो, हमें उससे छाया भी मिलती है पेड़ों से। तो इस उपलक्ष्य पर थाना चोलापुर में मेरे द्वारा मीडिया कर्मियों के सहयोग से पेड़ लगवाए गए, जो कि अभी फूलों के पौधे हैं। बारिश आने के उपरांत और पेड़ लगवाए जाएंगे ताकि वो ज़्यादा मात्रा में जिंदा रह सके। शिक्षा दीक्षा फाउंडेशन सहयोग कर रहा है, शिक्षा दीक्षा फाउंडेशन के सहयोग से ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। आगे भी मैं चाहूँगा कि अन्य थानों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाए। पाँच जून हमेशा से वैश्विक पटल पे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और वर्तमान समय में जो चुनौतियां उभर के आ रही हैं उसमें पर्यावरण की जो चुनौती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने आप में बहुत ही सारगर्भित तथ्यों को समेटे हुए है। इस संदर्भ को दृष्टिगत करते हुए स्थानीय स्तर की फाउंडेशन संस्थान शिक्षा दीक्षा फाउंडेशन द्वारा इस कार्यक्रम को चोलापुर थाने के अंतर्गत आयोजित किया गया। वस्तुतः इस संस्थान का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा दीक्षा को बढ़ावा देते हुए क्षेत्र में शिक्षा को प्रसारित करना है, और इसके साथ ही आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने एक नई सकारात्मक मुहिम को थाने स्तर से शुरू करते हुए इस बात को दृष्टिगत किया है कि थाने का जो माहौल है उसमें वृक्षों के रोपण के माध्यम से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके, आगंतुकों को एक सकारात्मक फीडबैक मिले, क्योंकि वृक्ष और पेड़ अपने आप में सृजन के पूरक होते हैं, और यह सृजनात्मकता अगर थाने के स्तर से प्रदर्शित होगी तो कहीं न कहीं इसका एक सकारात्मक परिणाम स्थानीय जनता को, जो फरियादी आते हैं उनको मिलेगा, और इससे एक मैसेज भी, पर्यावरण का जो मैसेज है जिसको हम देना चाहते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वह मैसेज भी अपने आप को प्रसारित करने में सफल होगा। और इस चीज़ को दृष्टिगत करते हुए मैं शिक्षा दीक्षा फाउंडेशन के समस्त अधिकारीगणों कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत उनके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं अपनी तरफ से देता हूं, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में इनके फाउंडेशन के द्वारा स्थानीय स्तर से बढ़ते हुए जिले स्तर पर भी कुछ ऐसे सकारात्मक मुहिम और पहल को शुरुआत किया जाए, और इनके अग्रिम भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।